हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज स्टैक एंड हाउ टू इंप्लीमेंट स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो वैसे तो कहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर वो बहुत ही टफेस्ट है, लेकिन अगर आप एसके प्रोग्रामिंग के वीडियो के साथ चलोगे तो वो बहुत इजी है। देखते हैं आज थियोरिकल बेस। व्हाट इज स्टैक? स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो आपको ऑलरेडी पता है लीनियर मीन सिक्वेंशियल। इट इज अ ऑर्डर लिस्ट इन विच एडिशन ऑफ न्यू डेटा आइटम्स एंड डिलीशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम डन फ्रॉम ओनली वन एंड विच इज नोन एज ब्लॉक ऑफ द स्टैक। जब भी हम स्टैक में कोई भी डेटा एंटर करते हैं और कोई भी डेटा जो है वो डिलीट करते हैं तो वो जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो ओनली वन एंड से होता है और उस एंड को टॉप बोला जाता है, टॉप ऑफ द स्टैक। द लास्ट एडेड एलिमेंट विल बी द फर्स्ट टू बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक। दैट इज द रीजन व्हाई स्टैक इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ लिस्ट। जब हम कोई भी डेटा है मीन्स कोई भी एलिमेंट है वो इंसर्ट करते हैं स्टैक में तो लास्ट में इंसर्ट हुआ जो एलिमेंट है वो पहले रिमूव होता है स्टैक के अंदर, उसीलिए उसे लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स लिफो टाइप ऑफ लिस्ट कहते हैं। एक बार फिर से बता दो आपको, स्टैक में जो एलिमेंट रिमूव होता है वो लास्ट में इंसर्ट होता है, मीन्स लास्ट टाइम जो इंसर्ट हुआ एलिमेंट है वो पहले रिमूव होता है, इसलिए स्टैक को लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहते हैं। अब देखते हैं स्टैक इंप्लीमेंटेशन मेथड्स। स्टैक कैन बी इंप्लीमेंटेड इन टू वे। हमारे पास टू टेक्निक्स है जिसके चलते हम स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन एंड दूसरा है डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन। आज के वीडियो हम ओनली थियोरिकल फंडामेंटल देखने वाले हैं। जैसे जैसे हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको उसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके दिखाने वाला। देखते हैं पहले स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन। स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन इज अ सिंपल टेक्निक। सिंपल क्यों? क्योंकि अगर आपको एरे का नॉलेज है तो आप इजीली स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपके पास अगर एरे का नॉलेज नहीं है तो ये आपके लिए टफ है। लेकिन मैंने एक एसके प्रोग्रामिंग नाम का एप्लीकेशन बनाया है, उसमें मैंने एरे रिलेटेड काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और उसके रिलेटेड कोड भी जो है, कोड स्निपेट्स, थ्योरिकल फंडामेंटल एरे रिलेटेड, उसे भी मैंने अपनी एप्लीकेशन में डाला है। तो अभी तक आपने एसके प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसे डाउनलोड कर लो। और अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे एसके प्रोग्रामिंग तो आपको पहला ही एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो आप वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इट इज नॉट अ फ्लेक्सिबल वे ऑफ क्रिएशन एज द साइज ऑफ स्टैक हैज टू बी डिक्लेयर ड्यूरिंग प्रोग्राम डिजाइन। आफ्टर दैट द साइज कैन नॉट बी चेंज्ड। अब जो स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन है जो स्टैक का वो फ्लेक्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें स्टैक की साइज है वो प्रोग्राम कोड के ड्यूरिंग डिसाइड करनी है, यानी कि जब हम प्रोग्राम कोड लिखते हैं तभी हमें उसकी साइज है वो मेंशन कर देनी है और फर्दर हम आगे जाके उसकी साइज जो है रन टाइम चेंज नहीं कर पाते, इसलिए इसे फ्लेक्सिबल नहीं कहा जाता। मोरओवर स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन इज नॉट टू एफिशिएंट With respect to memory utilization, as the declaration of array is done before start of the operation and afterward there are few elements to be stored in the stack, then allocated memory will be wasted. अब ये जो static implementation है memory utilization के लिए सरल नहीं है, यानी इसमें memory wastage का problem होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी operation start करने से पहले हम क्या करते हैं, स्टेटिकली इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि हमारा जो साइज है स्टैक का वो हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। इसलिए जब भी हम प्रोग्राम पर ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हैं तो तब मेमोरी जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं होता। यानी अगर आपने जो स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन में स्टैक का साइज 100 रखा है और आप जब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो तो आप 100 का साइज के मुजब आप उसमें ओनली 15 एलिमेंट ही ऐड करते हैं तो फर्दर जो 15 एलिमेंट थे वो स्टोर नहीं हुए, यानी कि वो ब्लॉक है वो मेमोरी में क्या वो जगह को मेमोरी यूज कर लेगा लेकिन उधर कोई भी डेटा स्टोर नहीं है तो वो मेमोरी का वेस्टेज हुआ। इसलिए स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन है वो बेटर नहीं है, यानी कि एफिशिएंट नहीं है। अब देखते हैं डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन।
Dynamic implementation is a technique where data allocated and runtime. Static implementation में कुछ मर्यादा है, यानी कि कुछ characteristic है, उसे overcome करने के लिए dynamic implementation आया है. Dynamic implementation में क्या है? हम जो data है वो allocate कर सकते हैं runtime. यानी static implementation में हमें program code जब हम लिखते हैं, यानी कि program design करते हैं, तब भी हम size mention कर देते हैं. लेकिन dynamic implementation में आप runtime size allocate कर सकते हो. It is a flexible way of creation of data structure. तो आप समझ ही गए फ्लेक्सिबल क्यों, क्योंकि हम रन टाइम डेटा एलोकेट कर सकते हैं, इसलिए जो डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है. दिस टाइप ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज इज पॉइंटेड टू इंप्लीमेंट अ डेटा स्ट्रक्चर. लेकिन अगर आपको डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन का यूज करना है तो आपको पॉइंटर का नॉलेज होना जरूरी है. पॉइंटर थ्रू ही आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हो, यानी कि डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन का कर सकते हो. लेकिन आपके पास पॉइंटर का नॉलेज नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. मैंने ऑलरेडी पॉइंटर पर काफी सारे वीडियोस बनाए हैं और मैंने उसे अपने एसके प्रोग्रामिंग चैनल जो है उसमें अपलोड किए हैं, और एसके प्रोग्रामिंग ऐप है उसमें भी अपलोड किए हैं, और उसका कोड और थियोरिकल फंडा है पॉइंटर का, वो भी मैंने एप्लीकेशन में डाला है. तो अभी तक आपने एसके प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से उसे डाउनलोड कर लो ताकि आपको नॉलेज मिल जाए पॉइंटर का, ठीक है. In this implementation, there is more utilization of memory because the memory is allocated as per the requirement. इधर आप memory को ज्यादा से ज्यादा use कर सकते हो. क्यों? क्योंकि इसमें जो data का allocation होता है वो run time होता है. Program code के through हम directly static implementation नहीं करते हैं. Means आप जो है data allocation वो run time कर सके, इसलिए memory allocate as per requirement होता है, इसलिए memory more utilize होती है. तो आज के वीडियो हमने सिंपल देखा कि स्टेक क्या है और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है. अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाला है स्टेक ऑपरेशन एंड स्टेक टर्मिनोलॉजी. अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दो और दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.